हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्या देखेंगे हम, इंडियाज नंबर वन मीटिंग ऐप जियो मीट। और जियो मीट कैसे यूज़ करना है वो हमें सीखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चाइना की जो जूम ऐप है वो क्या हो चुकी है, बैन हो चुकी है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे देख रहे होते प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च बार में हमें क्या करना है, सर्च करना है क्या, जियो मीट। ठीक है, और फिर करेंगे यहाँ से इंस्टॉल। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद देखो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ओपन का, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और हम ओपन करेंगे तो उसके बाद देखते थे यहाँ पे क्या आ रहे, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप और साइन इन। ठीक है, तो अगर आप किसी मीटिंग को होस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनाने के लिए किसके किसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइन अप पे। ठीक है, और साइन अप पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या मांग रहा है, इंटर ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी एंटर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ईमेल आईडी। उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है वी सेंड एन ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। उसके लिए आपको एक ईमेल सेंड किया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, जाएंगे हम गूगल जीमेल पे। ठीक है, देखो यहाँ से एक मेल आ चुका है, तो मेल पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेल ओपन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एक्टिवेट योर जियो मीट अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन, या फिर या और एक नीचे लिंक, दिस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, और वेरीफाई पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया अकाउंट इन्फो, टेस्ट मीटिंग, वेलकम टू जियो मीट, हाय राकेश कापड़िया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो चुका, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। और पासवर्ड के लिए देखो यहाँ पे सजेशन क्या है कि हमारा पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए, और न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। ठीक है, ये सभी कंडीशंस होगी तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो पासवर्ड कैसे सेट करना है वो भी हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ से हम एक कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है, फिर स्मॉल लेटर, देखो बोथ इंक्लूड बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर दोनों आ गए, फिर क्या करते हैं, फुल फॉर्म हो गया, फिर यहाँ से कोई सिंबल ले लेते हैं तो एक सिंबल भी हो गया, फिर यहाँ से नंबर भी ले लेते हैं, और सभी कंडीशंस यहाँ पे क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमारा पासवर्ड क्या एकदम परफेक्ट और स्ट्रांग है। ठीक है, और वही पासवर्ड यहाँ से क्या करेंगे, फिर वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, और दोनों पासवर्ड मैच हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, और कंटिन्यू के बाद देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, गो टू माई अकाउंट या फिर स्टार्ट मीटिंग। ठीक है, और इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको आप क्लोज करके अपने आपस, ठीक है, और इसके बाद हम देखे तो हमारा जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे क्या आ गया, एक ऑप्शन आ चुका है या फिर एक आइकन आ चुका है जियो मीट का। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वापस वही तीन ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन अप ऑलरेडी हम कर चुके, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ से साइन इन। ठीक है, जैसे साइन इन का क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर ईमेल आईडी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ठीक है, और एंटर ईमेल आईडी करने के बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ क्या करना है, जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड को एंटर करना है। ठीक है, और पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या, अगर थोड़ी बहुत परमिशन मांगेंगे कॉन्टेक्ट्स के लिए तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो चार ऑप्शन आ रहे, स्टार्ट अ न्यू मीटिंग, ज्वाइन अ मीटिंग, प्लान अ मीटिंग और शेयर स्क्रीन। स्टार्ट न्यू मीटिंग मीन्स किसके लिए, अगर हम होस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज को, ग्रुप को हम हेड हैं, ठीक है, तो हम किसका ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट अ न्यू मीटिंग। ज्वाइन अ मीटिंग मतलब हमें कोई पासवर्ड सेंड करेगा, आईडी सेंड करेंगे कोई मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, तब हमें किसके ऊपर क्लिक करना है, ज्वाइन अ मीटिंग के ऊपर। और प्लान अ मीटिंग मतलब हमें क्या करना है, कोई मीटिंग अगर हमें सेट करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट प्लान अ मीटिंग पे क्लिक करके देखें, तो प्लान अ मीटिंग में देखो तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आ रहा है, आपको डेट सेट कर सकते हैं, कितने बजे तक स्टार्ट करके करना है, फिर टाइम कर सकते हैं, होस्ट वीडियो ऑन रखना है या फिर पार्टिसिपेंट्स के जो वीडियो ऑन रखना है, सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और एडवांस ऑप्शन में भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड वेटिंग और एनेबल वेटिंग रूम, ठीक है, ये सब चीज अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, जो जैसे ऑप्शन हमें रखना, ठीक है। और ये आपसे क्या कर सकते हैं, टाइटल दे देते जैसे राकेश कापड़ियास जियोमीट, ठीक है, और डेट आज की है, टाइमिंग जो हमें सेट करना है, उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, डन कर देते हैं। और डन करने के बाद अगर हमें किसी को ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ से शेयर करनी हो, तो शेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एड इनवाइट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, या फिर कॉपी यूआरएल करके आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को शेयर करेंगे, वहां से क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं और ये हो गया, देखो मीटिंग सेट हो गया 5:55 पे, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ से देखे तो अब क्या करते हैं, स्टार्ट अ न्यू मीटिंग, अगर हम हेड है तो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट अ न्यू मीटिंग। फिर यहाँ से आपको आईडी के साथ करना हो तो देखो यहाँ से क्या करना, उसके ऊपर ऑन कर देना और उसके बाद क्या कर देते हैं हम, स्टार्ट अ मीटिंग, ठीक है। स्टार्टअप मीटिंग के लिए यहाँ पे देखो परमिशन मांगेगा कि रिकॉर्ड कर सकते हैं फोटोज वगैरह के लिए, कैमरा के लिए, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, और नेक्स्ट होगा ऑडियो के लिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अलाउ करना है। और अलाउ करने के बाद देख रहे हो तो यहाँ से क्या हो चुका है, देखो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, देखो यहाँ पे ऊपर आपको दिया भी है पासवर्ड, आईडी भी आ गया और नीचे पासवर्ड भी आ गया। ये चीज हमें क्या करनी है, जिसको हमें ये ग्रुप में या मीटिंग के अंदर ज्वाइन करना है उसको ये चीज यहाँ से शेयर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखो तो क्या कर रहा है, म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, स्टॉप वीडियो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो शेयर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, शेयर का ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब हमारी स्क्रीन पे जो भी चीज दिख रही है हमें, अगर कोई वीडियो या पीडीएफ अगर शेयर करनी है तो हम चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे शेयर कर सकते हैं। और वापस अगर हमें मीटिंग में जाना है तो ऊपर से क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे और वहां से देखो यहाँ से आ गया शेयर इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर वहां से क्या कर सकते हो, वापस स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है, स्टॉप शेयर। और उसके बाद अगर नेक्स्ट देखिए उसके बाजू में तो नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स, मीन्स यहाँ पे जो ज्वाइन हुए रहेंगे उनकी क्या होगी, लिस्ट दिखाई देगी, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे क्या होंगे, ज्वाइन हुए रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट यहाँ से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद देखें तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फिर चैट भी कर सकते हो, चैट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, हेलो, ठीक है, या फिर जिनको अगर कोई कमेंट वगैरह डाउट वगैरह हो तो क्या कर सकते हैं, एजुकेटर जो फैकल्टीज यहाँ पे जो पढ़ाते होंगे, स्टडी करवा रहे होंगे, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ से चैट के द्वारा कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और उसके अंदर देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है, मीटिंग सेटिंग आ रहा है, मीटिंग को लॉक करना है कि मतलब हम अगर चाहे तो कोई एंटर हो या ना हो उसके लिए भी कर सकते हो। फिर मीटिंग टॉपिक ऑलरेडी आ गया, प्ले टाइम फॉर एंटर और एग्जिट, मतलब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको अगर ऑन रखेंगे तो कोई अगर एंटर कर रहा हो या आपस ग्रुप को लीव कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, हमें नोटिफिकेशन आएगी, यहाँ से हम उसको एंट्री को म्यूट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई भी अगर हम एंटर कर रहे हैं तो उसका नाम भी वहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। और इसको यहाँ से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से डन कर दिया। और उसके बाद अगर देखें तो इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा लगभग, ठीक है। और इसके बाद हम क्या अगर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन या कोई हमें मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो हमें किसी मीटिंग को ज्वाइन करना हो, मतलब अगर हम होस्ट ना हो तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से हम कर सकते हैं ज्वाइन अ मीटिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी आईडी करेंगे और आईडी एंटर करने के बाद, जैसे कोई आईडी हमारा 0582858058, ठीक है। और उसके बाद आगे करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, पासवर्ड मांगेंगे, ठीक है। और ये पासवर्ड भी क्या होगा, जो हमने लिंक शेयर की होगी उसके अंदर होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, पासवर्ड एंटर नहीं करते, ठीक है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ से हम राकेश कापड़िया और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, यस हो गया। और इसके बाद अगर यहाँ से देखें तो स्क्रीन पे यहाँ पे जो ज्वाइन अ मीटिंग आ रहा है, अगर हमें अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं, कहीं अगर होस्ट है कोई, अगर हमारा मीटिंग चल रहा है उसमें हमें सिर्फ डायरेक्टली ज्वाइन करना होता है, यहाँ से हम बिना अकाउंट के भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन अ मीटिंग, यहाँ से क्या करना, आईडी डालना है और उसके बाद पासवर्ड डाल के यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि हमें अपना ऑडियो कनेक्ट रखना है या फिर अपना वीडियो ऑफ रखना है, वो दोनों ऑप्शन भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा और कोई ऑप्शन नहीं, एकदम सिंपल और इजी एप्लीकेशन है और इंडिया की एप्लीकेशन है तो हमें ये यूज करनी चाहिए। और जो दूसरी एप्लीकेशन भी मार्केट में चल रही है जैसे कि जूम, ठीक है, तो चाइना की, तो इसके लिए हमें उसको क्या करना है, यूज नहीं करना है, ठीक है, तो उसके लिए बनाइए तो सबसे अच्छी चीज है, ठीक है, हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है इंडिया के लिए, ठीक है, ओके गुड, थैंक यू।
ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।